कल जो KEF ने स्पार्क न्यूज़ में जो अनकंटेस्ट के लिए बात की है, हम तो उसको वेलकम करता है कि ये तो बहुत अच्छा बात है। सबका मोटो तो यही है, केवल KEF बोल के नहीं है, सारा पब्लिक यही चाहता कि कलोरिंग में एक बार अनकंटेस्ट हो जाए। लेकिन अनकंटेस्ट किसको बनाना है? आप तीन तीन या अनकंटेस्ट जो प्रेजेंट MLA को बनाना है, या जो पूर्व विधायक को बनाना है, या फिलहाल जो उम्मीदवार उसको बनाना है, तो नाम तो मेंशन करने से ये ठीक है, हम तो वेलकम करता है। अगर वो नहीं होगा, क्योंकि हम तो रूलिंग गवर्नमेंट है, हम तो कैंडिडेट उम्मीदवार तो हम करा करेगा ही है कि हम छोड़ नहीं सकता ये चीज़। आप नाम मेंशन करके, क्योंकि KEF जो है एक बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल फॉर्म है, सबसे बहुत पहले करना चाहिए था, अभी एक साल ही हुआ है, क्योंकि उसका सोच जो है हमेशा अच्छा ही होगा। और साथ ही साथ यही कि लोन उधर प्रॉब्लम का बात करने से तो उनको पता होगा, उससे तो ज़्यादा जानकारी तो लोग है ही नहीं है, क्योंकि वो तो सारा लोग जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, और उनको पता है कि हर गतिविधि को उनको पता है, तो कैसा करके लोन उधर प्रॉब्लम होगा। तो लास्ट अभी कुछ महीने पहले अभी जो नया जिले कलेक्टर आया है एवं ताऊ जी टीम लेके विजिट करके जो टूरिज्म एक्सप्लोर के लिए लुरुहुगू में लेके हम अरुणाचल टाइम्स में भी छपा है, और बहुत लोग सारा लोग देखा है कि हाँ अरे कलोरिंग बे ऐसा जगह है। तो अभी जो शुरू ही हो रहा है तो उसको अभी टूरिज्म को बुलावा देना चाहिए, तो उसको अभी एक डरावना फायदा कर दिया कि लोन उधर प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा। अभी आप ये बताइए कि कौन सा चीज़ लोन उधर प्रॉब्लम होने वाला है? तो आज तक तो भारत का जो IPC है, संविधान में जो लिखा है, CRPC जो लिखा है, उससे तो जितना भी ताकतवर नेता हो, कोई भी हो, आज तक इस सेक्शन से तो बचा ही नहीं, सारा कोई तो जेल में सर रहा है। तो अगर आपको ये लोन तो प्रॉब्लम होने वाला है, टेररिस्ट गतिविधियाँ शुरू हो रहा है, तो आप बता दीजिए ना, SP क्रोंग को में बहुत एक्टिव ऑफिसर है, उसको बता दीजिए कि ये पलना करने जा रहा है। अब ये नहीं कि सारा एक क्षेत्र को आप एक माहौल करा कर देगा कि कलोरिंग में जो आज लोग जी रहा है, तो हम लोग छोटा से बचपन से देखने वाला बाहर का लोग जो UP से नेपाल से उसमें सर्विस करके आज रिटायर हो गया, रिटायर होने के बावजूद भी कलोरिंग में बैठ रहा है, अगर वो लोन अंदर प्रॉब्लम होने से क्या आज बैठना है क्या? तो अभी तो उस जगह से आया है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल उस फॉर्म में सारा इंजीनियर भी है, सिविल सर्विस भी है, और पुलिस सेवा भी है, सब लोग है, लेकिन इस प्रकार से बात करने से लोग क्या नज़र लगेगा? तो एक इंटेलेक्चुअल के हिसाब से इस प्रकार से मैसेज छोड़ना, ये सबसे एकदम हमारा कलोरिंग के लिए क्या बोलेगा, दुर्भाग्यवान ही बोलना पड़ेगा, ये तो बहुत गलत है, क्यों उससे हमको सीखना चाहिए, वो बहुत अच्छा अच्छा जो उसको टूरिज्म के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए, वो बहुत लोगों को। अभी देखिए सारा अरुणाचल का एक आपका क्रैम मीटिंग होता है, तो कलोरिंग में तो ऐसा PS खुला हुआ है, तो उसमें तो केस का कोई है ही नहीं अभी, और हमारा पंचायत जो बहुत स्ट्रांग हो गया, यूथ जो बहुत स्ट्रांग है, पहले जैसे नहीं है। अभी पहले क्या तकलीफ था, हमारा रोड कम्युनिकेशन नहीं था, अभी जैसे गांव की तरफ हमारा जो BJP सरकार ने जो अभी मोदी सरकार ने जो हमको पेमा सरकार ने जो फैसिलिटी गांव को और जितना जो है उसको फैसिलिटी दे रहा है, हमारे गाँव की तरफ वापस जा रहा है। तो इस प्रकार से एक इंटेलेक्चुअल फॉर्म इस प्रकार से बात करने से सबके लिए माहौल ख़राब हो जाता है। कल कलोरिंग का लोग कहीं भी जाएगा, ये तो बोलेगा साला उस तो टेररिस्ट वाला है। अब इस प्रकार से बात करना, या तो वो जनता से माफ़ी मांगिए, कलोरिंग क्षेत्र से जितना इक्विपी क्षेत्र के सारा जनता से माफ़ी मांगिए, आप कल जिस सोशल मीडिया चैनल में जो बात की है आप उसको माफ़ी मांगिए। अगर धरती में इंसान के जीवन में कुछ छोड़ना होगा, अहंकार और घमंड और जो बुरापन सूच उसको ही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो और कुछ जगह नहीं है। तो हम तो ये उम्मीद नहीं है कि KEF जो अगर उसको फुल फॉर्म सारा को बुला जाए, देखो उसको क्लोरिंग एम्प्लॉय फॉर्म को छोड़ के अगर उसको सही ढंग से अगर उसको एवरीफॉर्म बना जाए, एक तो क्लोरिंग इंटेलेक्चुअल फॉर्म, उसका एक क्लोरिंग एजुकेशन फॉर्म होगा, क्लोरिंग इकोनॉमिक फॉर्म होगा,
तो इतना उसका है, तो ये सब बात करना आपको क्या शोभा देता है? ये सारा अगर कहीं और होगा, जैसे मित्रोपोलिस सिटी में होने से, ये तो पूरा हंगामा मचा, गाड़ियाँ जंप कर देगा, सड़कें जंप कर देगा, सारा पूरा हंगामा करना शुरू कर देगा। वो सारा जितना KEF है, क्या कहीं से आया? अफगानिस्तान से आया क्या? कहीं और अलग 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 विदेशी से आया है, या कहीं स्टेट से, UP, बिहार, असम से आया क्या? कोलोरिंग से भला पड़ा हुआ है, कोलोरिंग का पानी पी के भरा हुआ है, कोलोरिंग जंगल में खेल कूद करके आज ऑफिसर बना है। भाई आपको शुक्र करो कि भगवान ने जो अच्छा ज़िंदगी दिया है, लेकिन उसको तो सही तो प्रयोग कीजिए समाज भलाई के लिए। अब जो उसमें ऐसा भी क्रोंक में कोलोरिंग जो है सबसे बैकवर्ड, और हमारा CM साहब ने भी बोला कि ये सबसे एकदम ये उसको आगे बढ़ाने के लिए, सब लोग सोचिए, आपका सोच मेरा सोच ये, हर कोई यही सोच रहता है कि उसको अपना कोलोरिंग क्षेत्र को हम डेवलप करें। अभी थोड़ा सा जो ओबरा है आगे जा रहा है स्नोफॉल एकदम ये करके, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है टूरिज्म के लिए एक्सप्लोर करने जा रहा है, आपने बोल दिया कि यही है, उसमें लोन उधर प्रॉब्लम होगा। अब ये बताइए कि आप लोन उधर प्रॉब्लम आपको मालूम है, गलत आदमी को टिकट देने से अभी लोन उधर प्रॉब्लम होगा, तो इस तीन में से एक तो लोकम तसर है, एक पानी तरह में और एक संघात आगे, उसमें से गलत आदमी कौन है उसको भी नाम मेंशन करना पड़ेगा ना। अभी दुनिया को गलत बोलने से नहीं होगा ना, नाम मेंशन कीजिए, उस आदमी की टिकट मत दे दो, हम भी आपका पीछे खड़ा हूँ। अभी कोलोरिंग में एक तो सबसे देखो इंटरेस्टिंग क्या है, कोलोरिंग में इंटरेस्टिंग यही है कि कोई सबका सब BJP है, कोई है ही नहीं है, सारा का सारा BJP है। अब कोई प्रति है? कांग्रेस प्रति, NCP, आम आदमी, कोई जनता दल, कोई है कलोरी में दिखाई देता है? एक ऑफिस चेटर में या 19 UP में क्रोंग में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसमें गलत आदमी कहाँ से निकल गया, सही आदमी कहाँ से निकल गया? ये तो एक बदनाम करने का। और एक यही सस्पत मैं करता हूँ, ये जो है आपका KEF जो है ये नॉन पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये कहाँ से आप पॉलिटिकल करना शुरू हो गया भैया? अब जो आप पॉलिटिकल भी करेगा, सरकारी काम भी करेगा, ये बाकी आम जनता कहाँ जाएगा? भाई यार आपको एक गद्दी सौंपा है तो आप एक गद्दी में रहिए ना, तो ईमानदार से निभाइए। किसी और जो राजनीति करता, राजनीति करने दो, अब सरकारी काम करे सरकारी काम कीजिए, टीकादर कराए टीकादर करने दीजिए, जो धर्मराज करने के अच्छा लगे धर्मराज करने कीजिए, किसी को क्यों अंगली करना है? अभी आपका बात सुनने से तो आप तो सरकारी हो गए, आप तो प्रति हो गए यार, आपका तो बड़ा प्रति है, आप अनकंटेस्ट बनाएगा, आप गलत आदमी के हाथ में देने से लोन तो प्रॉब्लम होगा, ये कौन सा तरीका है? अगर देखो गीता में ऐसा है, गीता में यही कहा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा है कि अगर कोई अन्याय कर रहा है तो अन्याय करने वाला भी गलत है, पाप है, और वो अन्याय सहने वाला भी पाप है, और अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ नहीं उतर वो भी पाप है। अभी KEF का जितना जो उसका खिलाफ जो बात करे, तो ये तो हमारा खिलाफ बात करे मैं ऑफिसर, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे जाके वो किसी और को ऐसा ना फूक दे, कोई भी दिन ऐसा समय आएगा कि उसका खिलाफ बहुत बवाल मचाएगा। तो हम एक अपना हिसाब से प्रति को ध्यान रखते हुए, प्रति का कोई टिकट को डिसीजन नहीं कर सकता, कोई अनकंटेस्ट नहीं करता, वो तो केंद्र सरकार का काम है, और ये BJP प्रति इतना सबसे बड़ा प्रति है उसका काम है टिकट देना, दूर दूर तक ना कोई और बोलने से होगा, ना किसी का सपोर्टर उसका सपोर्टर बोलने से होगा, वो तो हमारा प्रति नहीं रेल करेगा, वो जो फाइनल करेगा वही होगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, उसी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। देखिए हमारा जो BJP प्रति जो टिकट लेके आएगा वही हमारा कैंडिडेट होगा। एक क्वेश्चन है ये, अभी जैसे कि ये क्वेश्चन को हम पहले भी पूछा था, लाइक ये रिसेंटली ये फोरम जो फॉर्म हुआ था आई थिंक लास्ट ईयर को, राइट, जहाँ में सब इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज लोग हैं, बहुत डिग्निफाइड फोरम है, तो अभी ऐसा स्टेटमेंट है तो वो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है आपको लगता है? हाँ जी, नहीं नहीं, ये जो देखिए वो कल का आप उसका स्पार्क न्यूज में जो बोला है आपको देख लीजिए, वो तो अनकंटेस्ट बनाएगा, अनकंटेस्ट करने का समय है, मुनि कल्चर खत्म करना है, गान कल्चर खत्म करना है, ये हमारा प्रति से तो वेलकम है। अरे यार आप पता उसको डिक्लेयर तो कैंडिडेट नाम तो दे दो कि रिकमेंड करता हम सारा टीम, हम तो चाहता है कि BJP प्रति तो यही चाहता है कि अनकंटेस्ट बनाइए, हम तो यही चाहता है कि अनकंटेस्ट। आप अगर उसको भी नहीं कर सकता है फिर आप कोलोरिंग को माहौल ख़राब कर देगा कि कोलोरिंग में ऐसा है, लोन उधर प्रॉब्लम होगा, ये होगा, ऐसा होगा, तो
तो आप ये बोलना, तो वो भी एक, अगर कोई आम आदमी गांव से कोई बोलने से अलग बात है, चलो ठीक है, उसको तो हीट ऑफ मोमेंट में किसी से गाड़ी लग गया और किसी को कुछ इधर हटा पाई हुआ, वो तो लो अंदर प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो हीट ऑफ मोमेंट में है। अगर लो अंदर प्रॉब्लम का बात करने से टेररिस्ट उसमें गतिविधियाँ शुरू हो रहा होगा और कई साजिश कर रहा होगा कि ये करना, वो तो उनको पता है। अब ये चीज़ को उनको जनता तो बार बार सवाल कर रहा है, लोग हंस रहा है देखने वाला, ये के ई एफ कहाँ से एकदम पॉलिटिकल ये फॉर्म में आ गया, लोग हंस रहा है। तो ये कोई तरीका है? और वो भी देखिए, सारे ऑफिसर लोग हैं, छोटे मोटे लोग तो है ही नहीं है, चपरासी वाला तो है ही नहीं है, सारा पढ़ी लिखी लोग, पढ़ा लिखा लोग है बहुत, मतलब उसमें बुद्धिजीवी क्या बोलते, कोई बुद्धिजीवी मतलब बुद्धि से जीने वाला लोग है, हाँ बुद्धि से दुनिया को घुमा के बुद्धि से इसे करके ये लोग है, बुद्धिजीवी उधर पड़ी हुई है, बहुत बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल लोग है, तो ये बात करना तो शोभा नहीं देता है उसमें। कल जो रैली हुई उधर, कहना है कि टिकट मिले या ना मिले उनके पास 80% सपोर्ट है, आउट ऑफ 8 ZPM 6 ZPM उनके पास है, ये फाइनल कल की रैली में था, आप क्या कहें? नहीं देखिए, हमारा ये उसमें क्रोंगकुमे में 7 ZPM है और उसके पास 5 ZPM गया है, 5 जिला प्रशासन मेंबर जिला अध्यक्ष लेके, उसमें हमारा टोटल क्रोंगकुमे में 7 ZPM है और अभी 9 है ना, 10 तो उसमें वो देखे, वो उसका अंदरूनी का मामला है, वो किस हिसाब से सपोर्ट किया वो उसको मालूम नहीं है, और वो देखे वो बीजेपी प्रति से MLA बना है, सॉरी बीजेपी प्रति से ZPM बना है, और कल अगर बीजेपी जिसको भी टिकट देगा तो उसी के खिलाफ मेरा हिसाब से अगर नहीं जाना चाहिए, हाँ अंतिम पट्टी नहीं जाना चाहिए मेरा हिसाब से, अगर समझदार के लिए इसरा काफ़ी है, क्योंकि फिर ये हमको क्यों गया किस लिए गया आइडिया नहीं है, हम तो अभी बोलते हैं तराम साहब भी टिकट ले लो, तासर साहब टिकट, तागी साहब सामने बैठे हों, वो टिकट जिसको भी दे दो, हम तो बीजेपी प्रति के लिए काम करेगा, लेकिन इस प्रकार से माहौल खराब करके अनकंटेस्ट करना और उसके बाद लोन उधर प्रॉब्लम वाला भाषा बोलना, ये बिल्कुल हमारा आम जनता भी उसको शोभा नहीं देता है, ये ठीक नहीं। कानून अभी इतना मजबूत से जो कि कानून व्यवस्था शुरू हो रहा है, कोलोरिंग में कहाँ दिखे, मैं उदाहरण देता हूँ, अभी कोलोरिंग में बहुत लोग जो कोलोरिंग नहीं जाएगा ये है वो बोल, पहले किस लिए नहीं जाएगा बोल रहा था, क्योंकि उस समय में रोड कम्युनिकेशन ठीक नहीं था, बच्चा शिक्षा के लिए ठीक नहीं था, सरकारी क्वार्टर ठीक नहीं था, आजकल यहाँ से ईटानगर से मोदी सरकार ने, हम जो 12-15 घंटा लगता था, हम अब 4 घंटा में लग रहा है, तो सब उधर आने लग रहा है सब, अभी हमारा एजुकेशन शिक्षा 19 ओपिन में आपका 11 आया है और उसमें बहुत सारा BKV केंद्रीय विद्यालय आया है, बहुत सारा आने वाला है, तो वो सब अभी ग्रो हो रहा है, इसी समय में जैसे जिस हिसाब से पुल ओवर आए, इसी समय में उसको क्या कैंची लगा कर काटना जरूरी है? KIF जो पुल ओवर है उसको पानी डालना चाहिए, ये तो बड़ा टेरोरिस्ट है, एकदम कोलोरिंग को डिक्लेयर कर दिया, कल कहीं भी जाएगा मैं लोग लगेगा ये तो टेरोरिस्ट वाला है, ये चीज़ ठीक नहीं हुई हम बोल रहे हैं। अभी जिला का क्या है, क्या उसका मन में क्या है कैसे हमको मालूम नहीं, जिस दिन प्रति तक के देने के बाद वो वापस आता है ना उधरी रहता है, वो उसका अंदरूनी मामला है, उसका अपना जीवन का वो विचार क्या करेगा उसका बात है।